गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पंजाब अचीवमेंट सर्वे की तैयारी लई तुहाडे वास्ते डिपार्टमेंट वल्लों डेली स्लाइड्स शेयर कीतियां जा रही आ। आस करदे आ तुसीं उन्हां नूं रोज़ हल कर रहे होगे और तुहाडी मदद दे वास्ते ही गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भंगवा वल्लों सॉल्व करन जो प्रैक्टिस शीट्स सॉल्व करन दे बारे वीडियो बनाईया जा रही आ। तुसीं इन्हां दे नाल अपने आंसर्स मैच कर सकते जी, और जे किसी क्वेश्चन की समझ नहीं लगती तो वह भी तुसीं इस वीडियो की मदद नाल समझ सकते जी। तो आओ असी अज की प्रैक्टिस शीट शुरू करते हैं जी। अज की प्रैक्टिस शीट 21 अभ्यास शीट 21 आई है। सब तो पहला रोज़ की तरह पंजाबी का पैरा दिता गया है, तुसी इनू वीडियो नू स्टॉप करके इस पैरे नू पढ़ सकते जी, और पढ़न तो बाद असी क्वेश्चन्स शुरू करांगे जी। हुण क्वेश्चन्स देखते हैं। पहला प्रश्न है जी, अज का युग किस चीज़ का युग है? तो पैरे दे विच तुसी पढ़िया आ कि सब तो पहली लाइन दे विच लिखिया होया सी 21वीं सदी विज्ञान का युग है। तो साडा आंसर इस तरह की होएगा, फिर तुसी समझ गए होगे एड़ा को ऑप्शन विज्ञान का, अज का युग विज्ञान का युग है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दुर्घटनावां क्यों वापरदियां हन? ऑप्शन साढ़े कोल हैगे आ, सावधानी की घाट करके, पैदल चलन करके, पैसे की दौड़ करके, पागलपन करके। तो पैरे दे विच तुसी पढ़िया है कि ज़्यादातर लिखा सी कि जो ज़्यादातर दुर्घटनावां आ वह ऐसे करके वापरदियां आ क्योंकि साडा दिमाग किते होर हुंदा आ। आदमी तुरदा फिरदा किते होर हुंदा आ पर दिमाग किते होर हुंदा आ। इहदा मतलब कि सही आंसर की बनेगा, उड़ा ऑप्शन सावधानी की घाट करके। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अन्नेवाह शब्द का की अर्थ है? ऑप्शनस पैसे की दौड़, बिना सोचे समझे मशीन बन जाना, दुर्घटनावां। तो अन्नेवाह शब्द का अर्थ पैरे दे विच समझ गए होगे वरत्या गया है शब्द, एड़ा ऑप्शन इहदा सही आंसर होएगा बिना सोचे समझे। चौथा क्वेश्चन, हेठ लिखियां विच किहड़ा शब्द क्रिया नहीं है? क्रिया शब्द तुसी पढ़िया होएगा कि जो होंगे काम के बारे दसते हैं, तो सानू वो शब्द चुनने लिए कहा गया है जो क्रिया शब्द नहीं है। ऑप्शनस है खेडना, कुदना, नचना, तो ससा ऑप्शन है मैदान। इस तरह तुसी देखोगे जो पहलिया तिने ऑप्शनस है वो कोई काम के बारे दसन नहीं है, क्रिया शब्द हैगे आ, पर जो ससा ऑप्शन है वो साडा क्रिया शब्द नहीं है, एक नाम शब्द आ। ये साडा सही आंसर होएगा। पंजवा क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त पैरे विच किहड़ी सुरक्षा उत्ते वधेरे जोर दिता गया है? तो जे पैरे नूं तुसीं ध्यान नाल पढ़िया है तो तुसीं समझ गए होगे कि इस पैरे दे विच निजी सुरक्षा दे बारे वधेरे जोर दिता गया है। तो दस्सिया गया कि जे असीं निजी सुरक्षा दा ध्यान दिंदे हां तो असीं बाकियां दी भी सुरक्षा कर सकते हैं। नैक्सट साडे कोल गणित दे प्रश्न आ। पहला जो सम दिता गया है उहदे विच इक ग्रीन बोर्ड दिखाया गया है और नाल पुछया गया है किहड़ी आकृति वर्गा है जी। किहड़ी आकृति वर्गा है? तो तुसी ग्रीन बोर्ड की आकृति देख रहे जी। ऑप्शन साडे कोल आ आयत, वर्ग, तिकोण, चक्कर। तो जो सही आंसर होएगा वो है उड़ा ऑप्शन आयत। दूसरा सम देखते हैं, दिखाए अनुसार कागज़ नूं बिल्कुल बिल्कुल अध विचों घुमाउण नाल किहड़ी आकृति बनेगी? तो सानूं इत्थे सिर्फ कागज़ नूं घुमाउण वास्ते कहा गया है जी। तो इहदा जो सही आंसर होएगा वो ईडी ऑप्शन होएगा सिलेंडर। जदों असीं इक कागज़ नूं घुमावांगे तो एक गोल शकल ले लेगा और एक सिलेंडर के आकार दे विच बन जाएगा। तीसरा सम देखते हैं सॉरी जी, तकड़ी देख के सही कथन की चोण करो। साडे कोल तकड़ी दे विच की है जी, एक साइड पर पपीता रखा हुआ है और एक साइड पर अमरूद रखा हुआ है। तो ऑप्शनस देखते हैं की कहा गया है, उड़ा ऑप्शन है पपीता अमरूद तो हल्का है। तो तकड़ी तुसी देख रहे जी जो पपीते वाली साइड है वो थले झुकी हुई है, इस करके हल्का नहीं आ, ये ऑप्शन गलत आ। ऐड ऑप्शन है अमरूद पपीते तो भारा है, ये भी नहीं है जी, क्योंकि भारी चीज़ सगों थले होनी चाहिए सी पर अमरूद उपर नूं जा रहा है।
ईडी ऑप्शन है पपीता अमरूद तो पारा है जी। ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, पपीता अमरूद तो पारा है। असी ससा ऑप्शन भी वैसे पढ़ लेने हैं, पपीते अते अमरूद का भार समान है। नहीं ये भी नहीं सही, ईडी ऑप्शन ही साडा सही आंसर होएगा। चौथा सम देखते हैं, लंबाई मापन लिए किहड़े मापक की वरतों की जाती है। लंबाई मापन वास्ते तुसी देख रहे जी सारे यूनिट्स जो दिते गए आ, भार तोलूड़ा ऑप्शन दे विच हैगा एक तकड़ी, भार तोलन वास्ते एड़ा ऑप्शन दे विच जो साडा आ ये सही आंसर होएगा। लंबाई मापन वास्ते इंच टेप की वरतों की जाती है। पंजवा क्वेश्चन, तस्वीर विच दिखाई पानी की टैंकी विच 250 लीटर पानी है, टैंकी की समर्था अनुसार इसनों पूरा भरन लई होर किन्ने पानी की लोड़ है। तो टैंकी की समर्था दसी गई है 730 लीटर दसी गई है समर्था, तो 250 लीटर पानी ये हैगा है। होर सानू पूछा गया कि इसनों पूरा भरन दे लई किन्ने पानी की लोड़ पेगी, तो असी की कर सकते हैं जी। उहदी जो कुल समर्था आ उहदे विच जो पानी ऑलरेडी हैगा आ 250 लीटर उहनू माइनस कर लैने आ। जी इस तरह साडा आंसर आ गया 480। इस तरह 480 लीटर होर पानी की जो लोड़ होएगी सानू इस टैंकी नू पूरा भरन लई, तो साडा जो सही आंसर हो जाएगा वह होएगा ससा ऑप्शन 480 लीटर। अगे साडे कोल इंग्लिश दे क्वेश्चन दिते गए आ, पहले सानू पैरा दिता गया है, उस पैरे तुहाडी हैल्प वास्ते मैं भी नाल पढ़दा आ, तुसीं भी ध्यान नाल इहनूं पैरे नूं एक दो बारी पढ़ना है। देर वॉज़ ए पाम बैनियन एंड नीम ट्री नियर अ रिवर, देर वॉज़ ए नैसट इन द नीम ट्री, टू बेबी बर्ड्स सैट ऑन इन द नैसट, दे वर वेटिंग फॉर मम्मी बर्ड, मम्मी बर्ड हैड गोन टू गैट फूड, After some time, the mummy bird landed on the nest. She had two worms in her beak. She gave one worm to each baby bird. The baby birds ate the worms quickly. जी ये साडा पैराग्राफ सी अज दा, हुण क्वेश्चनस देखते हैं ये बारे की दिते गए आ। फस्ट क्वेश्चन है जी, वेयर वॉज द नैसट, तो असी पैरे दे विच पढ़िया आ कि देर वॉज ए नैसट इन द नेम ट्री, जो नैसट सी वो किहड़े रुख के उत्ते सी, निम के रुख के उपर सी। इस तरह साडा जो सही आंसर हो जाएगा वो हैगा सी ऑप्शन इन द नेम ट्री। सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी बेबी बर्ड्स वर देयर इन द नैसट, तो पैरे दे विच तुसी पढ़िया है टू बेबी बर्ड्स हैगे सी, जिस तरह इत्थे लिखिया भी है टू बेबी बर्ड्स सैट इन द नैसट, साडा सही आंसर की होएगा सी ऑप्शन टू। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड हैगा जी, मम्मी बर्ड हैड डैश इन हर बीक, बीक हुंदा है जी चुंझ पंछियों की जो हुंदी है, तो क्वेश्चन दे विच पुछा गया है कि मम्मी बर्ड की चुंझ दे विच की सी, तो असी पैरे दे विच पढ़िया है कि मम्मी बर्ड सी वो शी हैड टू वॉर्म्स इन हर बीक, वॉर्म्स हुंदे है जी कीड़े, तो जो बर्ड मम्मी बर्ड सी वो टू वॉर्म्स लैके आई सी अपने बेबी बर्ड्स के वास्ते, तो साडा सही आंसर की होएगा ए ऑप्शन वॉर्म्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर इज नॉट रिलेटेड टू द पैसेज, सानू चार पिक्चर्स दित्तियां गई हैं, असी इन्हों देखना है कि पैरे दे नाल रिलेटेड केड़ी नहीं हैगी। सब तो पहले एक रुख दी तस्वीर आ, उस तो बाद एक कीड़े की तस्वीर दिखाई गई है, उस तो बाद कुछ बच्चे आ और डी ऑप्शन दे विच पंछी दिखाया गया है। तो तुसी देखोगे कि सारे ही पंछी कीड़े ते रुख पंछी ते कीड़े इन्हां दी गल कीती गई सी पैरे दे विच, पर बच्चियां दी कोई गल नहीं कीती गई सी। इस करके जो साडा सही आंसर है वो सी ऑप्शन होएगा, जो चिल्ड्रन दिखाए गए आ वो होएगा साडा सही आंसर, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पैराग्राफ। नैक्सट क्वेश्चन है जी, चूज़ द प्लूरल, प्लूरल मतलब एक तो ज़्यादा जिन्हों असी पंजाबी दे विच बहुवचन कहने हैं, तो वह वर्ड असी चूज़ करना है। ऑप्शन है बेबी वॉर्म्स बीक रिवर, तो तुसी समझ गई होवोगे कि बी ऑप्शन का सही आंसर है वॉर्म्स, ये प्लूरल वर्ड हैगा, बाकी सारे सिंगुलर वर्ड है, एक वचन शब्द है। नैक्सट साढ़े को हिंदी का पैरा है जी,
वीडियो नू स्टॉप करके तुसी इस पैरे नू भी एक या दो बारी बड़े ध्यान नाल पढ़ना है ताकि तुहानू समझ लग जाए और फिर तुसी आसानी नाल क्वेश्चन कर सको जी। पैरा पढ़न तो बाद हुण आओ क्वेश्चनस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? तो पैरे दे विच तुसी पढ़िया होएगा तो ऑप्शन देख लेने असी की दिते गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जी, अपने गुणों का सही दिशा में प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है अपने गुणों का प्रदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन है अपने मित्र का साथ देना। चौथा ऑप्शन है दूसरों के काम में बाधा डालना। तो असी पैरे दे विच पढ़िया है कि अपने गुणों को सही दिशा में प्रयोग करना, जिस तरह उस बच्चे नू उन्हां दे गुरु जी ने कहा कि तू अपने जो तुहाडे विच गुण आ कि तुहानू बहुत जल्दी सीख जाते जी, उन्हों दूसरे की मदद के लिए वरतो, ना कि उन्हां दे काम नू खराब करन दे लई, अंदाजा उन्हां दी पढ़ाई नू खराब करन दे लई। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जैसे प्रश्न का प्रश्नों होता है वैसे ही पाठशाला का क्या होगा? तुसी समझ गए होगे कि साडे कोल एक वचन से बहुवचन करन लई कहा गया है। तो पाठशाला का बहुवचन असी लभ लैने आ, फस्ट ऑप्शन पाठशाला पाठशाले, फिर तीसरी ऑप्शन है पाठशालाएं, तो चौथी ऑप्शन है पाठशाले। तो सही आंसर होएगा तीसरी ऑप्शन पाठशालाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुद्धिमान विद्यार्थी को सहपाठी की पढ़ाई में डैश करनी चाहिए। ऑप्शंस दे गए जी, बाधा उत्पन्न, सहायता, ईर्ष्या, नकल। जो सही आंसर होएगा वो होएगा सेकंड ऑप्शन सहायता। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर का एक अर्थ जवाब होता है, इसका एक और अर्थ क्या होगा? उत्तर शब्द के बारे दसया गया है कि उत्तर का एक तो अर्थ हो गया कि जवाब देना, उत्तर देना, तो उत्तर शब्द एक होर अर्थ रखता है, वह अर्थ की है? तो तुसी दिशावां दे नाम जानते हो गए, उत्तर दक्षिण ये होंदिया आ, पूर्व पश्चिम, चार दिशावां जो मेन मनिया जांदिया आ, ते इस तरह उत्तर की हो गया एक दिशा भी होंदी आ। पंजवा प्रश्न देखते हैं, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दिए दिए, यह शब्द गुरु जी ने कैसे कहे? ऑप्शन साढ़े कोल हैगे आ, खुश होकर, परेशान होकर, नाराज होकर, हैरान होकर। तो जो सही आंसर तुसी जे नहीं समझे तो पैर दे विच तुहानू दिखा दिंदे आ, साढ़े कोल इत्थे लिखिया होया आ, गुरु जी ने हैरान होकर पूछा फिर तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दे दिए। तो हुण तुसी आंसर इहदा लभ सकदे जे, चौथा ऑप्शन सही आंसर होएगा हैरान होकर। नैक्सट साढ़े कोल वातावरण सिक्ख्या दे प्रश्न है जी। पहला प्रश्न है, रुखां दी संभाल करके अते नवें रुख ला के की हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं, हरियाली वध सकती है, छां वध सकती है, वातावरण बचाया जा सकता है, उपरोक्त सारे। तो सारे ही ऑप्शन सही है, इस करके दा सही आंसर जो होएगा वो चौथा ऑप्शन होएगा उपरोक्त सारे। ये सारे ही काम हो सकते हैं रुख लगाउण नाल ते रुखां दी संभाल करन नाल। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पुराने समय विच राजे महाराजे सवारी लई किहड़े जानवर की वरतों करते सन? ऑप्शनस हाथी, घोड़ा, उपरोक्त दोवें, इन्हां विचों कोई नहीं। तो यदा आंसर भी तुसी काफ़ी सौखा क्वेश्चन आ, उपरोक्त दोवें आएगा, हाथी और घोड़ा इन्हां दोवां जानवरों की वरतों राजा महाराजा करते सी। तीसरा ऑप्शन है जी, जेकर तुहानूं हेठ लिखियां दा मिलान करन लई कहा जावे तां गाजर दा मिलान किस नाल करोगे? जी, गाजर विटामिन ए दा स्रोत हुंदा है जी, तो असी इन्हां सारयां दे ही मिलान चलो कर लैंदे आ। सब तो पहला साढ़े को संतरा दिता गया, संतरा विटामिन सी का स्रोत हुंदा है, सूरज की रोशनी तो सानू विटामिन डी मिलता है, गाजर तो सानू विटामिन ए मिलता है, और अंडिया तो प्रोटीन मिलता है। इस तरह गाजर का सानू जो लभण लई कहा गया सी वो आंसर होएगा सैकेंड ऑप्शन विटामिन ए। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, जगजीत बोलण अते सुनण तो असमर्थ है, सानू इस तरह के बच्चों डैश रहना चाहिए है? ऑप्शनस तो दूरी बना के, द मजाक बनाते, मिलजुल के सहयोगी बन के, नाल ईरखा कर दे। जो सही आंसर होएगा वो तीसरा ऑप्शन होएगा मिलजुल के सहयोगी बन के। पंजवा प्रश्न देखते हैं जी, पोषक तत्व लिखे गए एक साइड पर और एक साइड पर पोषक तत्व के काम दसे गए हैं।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 21, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।